मेरी गेम में तो मस्त बोनस मिलते हैं। रजिस्टर एंड गेट 2500 वेलकम बोनस। खेलो असली फैंटेसी ऑन cricket.com। डाउनलोड cricket.com नाउ। खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। चुनावी शंखनाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी, हमारे साथ विक्रांत मौजूद हैं। हमारे इस खास शो का फ्लेवर बदल चुका है, जिसमें अब आईपीएल का जबरदस्त तड़का लग चुका है। आईपीएल यानी कि इंडियन पॉलिटिकल लीग और इंडियन प्रीमियर लीग। सियासत के बाउंसर से लेकर क्रिकेट के चौके छक्कों तक खबरों का डबल डोज लेकर आज हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। जैसे चित्रा ने कहा, हम सब जानते हैं कि दिल्ली में सबसे बड़ा पावर सेंटर है भारत का। राज्य से लेकर देश तक की सरकार दिल्ली के पिच पर चौके छक्के मारती है। शायद ऐसा ही कोई ओवर रहा होगा जिसमें बाउंसर ना फेंके जा रहे हैं, बिल्कुल, भले वो आईपीएल पॉलिटिकल लीग हो या फिर प्रीमियर लीग हो। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप उसे हुक करना चाहते हैं या फिर वक्त की नजाकत को देखकर गेंद को छोड़ना चाहते हैं। ये सवाल बड़ा है विक्रांत, लगता है दिल्ली को लेकर आज आपके पास जबरदस्त कुछ मसाला है। लेकिन मेरे पास भी दिल्ली की सियासत में आए इंपैक्ट प्लेयर को लेकर जबरदस्त खबर सामने आई है। अब दिल्ली के मैदान पर पहले आप बल्लेबाजी करते हैं या फिर मैं, इसका फैसला तो टॉस से ही करना होगा और आज मेरी बारी है। लगातार मैं जीत रही थी, एक दिन आपने जीत हासिल की, कल मैंने जीता, लेकिन आज किस्मत बदलते हैं। टॉस का सिक्का आज आप उछालिए और तो मैं मानता हूं टेल्स। यार पता नहीं क्या है यार, आज भी टॉस आप जीत गई। हाँ, लगातार तो आप तो बल्लेबाजी करना चाहेंगी। तीन बार बिल्कुल बैटिंग करना चाहूंगी मैं, यानी कि सियासत की खबर पहले। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो चलिए अपनी अपनी पारी की शुरुआत करते हुए सियासी मैदान पर आपको लेकर चलते हैं। देखिए विक्रांत, जैसा मैंने टॉस से पहले वादा किया था कि बात दिल्ली की होगी तो मैं एक इंपैक्ट प्लेयर की बात करूंगी, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त चुनावी मैदान में हो रही है। इस बार आईपीएल को इंपैक्ट प्लेयर के नियम ने दिलचस्प बना दिया है। इंपैक्ट प्लेयर एक ऐसा खिलाड़ी जो कि प्लेइंग 11 का हिस्सा तो नहीं होता, लेकिन कप्तान उसका इस्तेमाल मैच में एक बार कर सकता है। आम आदमी पार्टी के कप्तान यानी कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं। ऐसे में दिल्ली की सियासत को क्रिकेट की भाषा में समझे तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल इस वक्त इंपैक्ट प्लेयर की भूमिका में हैं। अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल अपने इस इंपैक्ट प्लेयर को आगे प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार। दिल्ली की बदली सियासी पिच पर घोटालों के बाउंसर के बीच अब सुनीता केजरीवाल ने खुलकर बल्ला चला दिया है। केजरीवाल को कट्टर देशभक्त बताते हुए गेंद को हवा में लहरा दिया है। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूँ, देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। अब चुनावी मैदान में गेंद बाउंड्री के पार जाती है या कैच हो जाती है, इसे लेकर अटकलें जारी हैं। लेकिन हवा के रुख से ये लग रहा है कि सुनीता केजरीवाल को आगे कर ही लोकसभा की जंग लड़ने की तैयारी है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के लिए सुनीता केजरीवाल ने अभियान शुरू कर दिया है और इसे लेकर केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान का नाम दिया है। आपने अरविंद जी को अपना भाई अपना बेटा कहा है, क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। माना जा रहा है कि विरोधियों को घेरने के लिए बयानों वाले सियासी शॉट की तैयारी सुनीता केजरीवाल ने तभी कर ली थी जब ईडी ने जांच के बाद केजरीवाल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। ठीक इसी वक्त कप्तान केजरीवाल से इंपैक्ट प्लेयर सुनीता केजरीवाल को इशारा मिल गया था। केजरीवाल के रिटायर्ड हर्ट होते ही इंपैक्ट प्लेयर ने मोर्चा संभाला और अब तैयारी है सहानुभूति के स्विंग से विरोधियों का विकेट उड़ाने की। चुनावी खेल के बीच आम आदमी पार्टी की बदली रणनीति पर बीजेपी की नजर है। हालांकि वो अपने गेम प्लान पर ही फोकस कर रही है, बार बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप पर करारे हिट कर रही है। नवंबर 2023 से 9 बार समन आया केजरीवाल जी को, 9 बार उन्होंने समन रिस्पॉन्ड नहीं किया और जब उन्होंने 9th टाइम नहीं किया तो ईडी के जो अधिकारी थे उनके घर पहुंच गए। अब ऐसा है, आप इसलिए केजरीवाल को छोड़िए, उनका समय बहुत लिमिटेड है। आईपीएल में दिल्ली ने अपने पहले मुकाबले में ही इम्पैक्ट प्लेयर वाला प्रयोग किया और अभिषेक पोरेल को मैदान पर उतारने का फैसला किया।
दिल्ली की टीम का ये दांव चला और अभिषेक ने 10 गेंदों में ही 32 रन ठोक दिए। अब जब आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े खिलाड़ी सियासी मैदान से बाहर हैं, तो हर कोई सुनीता केजरीवाल से चमत्कारी पारी की उम्मीद कर रहा है। क्या इसी चमत्कार वाली उम्मीद के पीछे नए कप्तान का फॉर्मूला भी छिपा है? आज तक ब्यूरो। वैसे विक्रांत, देखा जाए इंपैक्ट प्लेयर का प्रदर्शन भी अलग अलग मैचों में अलग अलग दिखा है। कुछ हिट हुए हैं तो कुछ अब तक फ्लॉप भी हुए हैं। अब सुनीता केजरीवाल पर आपका दांव कैसा रहेगा, ये तो वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। आपने सही कहा, इंपैक्ट प्लेयर आपको हरा सकता है, जिता सकता है, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर को आप लेकर कब आते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। टाइमिंग कि मैं इसको इस वक्त लेकर आ रहा हूं, क्रिकेट में आप 16वें ओवर में ला रहा हूं या 17वें ओवर में ला रहा हूं, और सियासत में भी शायद टाइमिंग की बात होती है। आप देखिए ना, मुझे सियासत का तो पता नहीं कि सुनीता केजरीवाल किस तरह की इंपैक्ट प्लेयर होंगी, लेकिन दिल्ली की मैं टीम की बात करूं, भाई इनके लिए इंपैक्ट प्लेयर जो है वो एक मैच में अच्छा कर गया। मैं अभिषेक पोरेल की बात कर रहा हूं, इन्होंने पंजाब के खिलाफ अच्छा किया जी, लेकिन जैसे ही कल रात का मैच आया फ्लॉप हो गए। इसका मतलब है कि इंपैक्ट प्लेयर दिल्ली कैपिटल्स को जिता नहीं पा रहा है, दिल्ली की टीम को जिता नहीं पा रहा है। अब दिल्ली दूर कैसे है, दो मैच खेले हैं, बिल्कुल दोनों हार। और इसका मतलब यह है कि अगर आपको टॉप चार में जाना है तो भाई आपको अगले 12 में से कम 8 या 9 मैच जीतने, बिल्कुल। तो दो मैच आप हार गए हैं, तो मुझे लगता है कि अंक तालिका में दिल्ली आपको जो फिलहाल 8वीं पायदान पर दिख रही है, कहीं ऐसा ना हो कि IPL खत्म होते होते 8वीं पायदान पर रहे। अब कल रात का मैच देखिए, कल राजस्थान के साथ दिल्ली का मैच था और उस मैच में राजस्थान ने 185 रन बना दिए। जायसवाल आउट हो गए, संजू सैमसन आउट हो गए, बटलर आउट हो गए, और उसके बाद फिर रियान पराग ने आकर ऐसी पारी खेल दी। अब यहां पर थोड़ी कप्तानी भी ढीली रही, ऋषभ पंत ने वो रन भी बनवा दिए, 185 रन। चित्रा आमतौर पर ना IPL में आप कहते हैं कि यार चेज हो जाएंगे, लेकिन दिल्ली की दिक्कत यह है कि इनके पास डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और कुछ हद तक ऋषभ पंत जब तक वो फॉर्म में नहीं आते, यही तो है मैच विनर। यानी कि आप अगर जीतने जा रहे हैं तो आपको मैच विनर चाहिए, बिल्कुल, भले वो सियासत में हो या फिर खेल में। खेल की तस्वीरें तो हमारे दर्शक देख रहे हैं, लेकिन आप दिल्ली के लिए कह रहे हैं कि आगे की राह आसान नहीं, क्रिकेट के इन तमाम खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इस IPL में हमने देखा है कि टीमें जो है उसमें जारहाना खेल दिखा रहे हैं। यानी कि इंपैक्ट प्लेयर से ज्यादा जरूरी है मैच विनर, जो नीचे आके तड़का लगाए। तो यानी कि जैसे जैसे आपके इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, कौन सी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट कहां आग लगा दे, उस पर बहुत कुछ निर्भर। वैसे तो अभी दिल्ली दूर ही है दिल्ली की टीम की तरह, लेकिन एक सवाल मेरा यहां पर यह है कि आखिर दिल्ली की टीम के साथ दिक्कत क्या है विक्रांत, ऐसी क्या कमी है इस टीम में कि वो अभी तक जीत की पटरी पर नहीं आती हुई दिखाई दे रही है? मैच विनर्स नहीं है, नहीं और आपकी आगाज अच्छा नहीं हुआ। जब आप स्टार्ट में पहला मैच जीत जाए, गिरते पड़ते जीत जाते, अगर ये पहला मैच पंजाब के खिलाफ, तो शायद आप एक के बाद दूसरी जीत आ जाए। तो फिलहाल वही बात है कि डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, ये तीन हैं। शायद दिल्ली को अपनी टीम, अपनी सोच पर विचार करना होगा, उन्हें देखना होगा कि वो क्या पृथ्वी शॉ को खिला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कल ऋषभ पंत को गुस्सा बड़ा आया जब वो आउट हुए, लेकिन ऋषभ पंत के हाथ में ही दिल्ली की तकदीर और चाबी दोनों है। अब तकदीर से तस्वीर कितनी बदलेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन दिल्ली की दिक्कत क्या है ये लगातार विक्रांत आपको दिखा रहे हैं। अब आपने डगआउट में बड़े खिलाड़ियों के बैठने की बात की विक्रांत, तो मुझे बिहार की सियासत का यहां पर जिक्र करना ही पड़ेगा। बिहार में आज इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया, लेकिन इस लिस्ट में कई धुरंधर खिलाड़ियों को अपने घरेलू मैदान में ही डगआउट में बिठा दिया गया है। सूत्रों से खबर यह निकलकर सामने आई है, इस सिलेक्शन में लालू प्रसाद यादव चीफ सिलेक्टर की भूमिका में थे, जिन्होंने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को तो खोलकर मौका दिया, वहीं सहयोगी दल के बड़े चेहरों को अब एहसास हो रहा है कि क्या टीम बदलकर उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। बिहार की इंडिया गठबंधन टीम में बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर का कॉम्बिनेशन तो सेट हो गया। जहां चीफ सेलेक्टर की भूमिका में लालू प्रसाद नजर आए, जिनकी प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे कांग्रेस सरेंडर मोड में नजर आई।
सोचिए जो आरजेडी पिछले लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई थी वो इस बार 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 9 और लेफ्ट के खाते में 5 सीटें आई हैं। बिहार लालू का घरेलू मैदान है जहां उन्हें चुनौती सिर्फ बीजेपी नहीं है बल्कि आरजेडी के अस्तित्व को कांग्रेस से भी बचाना है जिसे मात देकर लालू प्रसाद यादव सत्ता के शिखर तक पहुंचे थे। यही वजह है कि टीम सिलेक्शन के दाव पेच में लालू का ये फॉर्मूला साफ दिख रहा है। अपनी पार्टी का विलय करके कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव को पूर्णिया सीट नहीं मिली जहां से आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार घोषित कर दिया। सबसे बड़ी बात, पप्पू यादव और उनकी पत्नी जिन 3 सीटों से चुनाव जीते हैं वो भी आरजेडी के खाते में, चाहे वो सुपौल की सीट हो या पूर्णिया की या फिर मधेपुरा। ऐसे में सवाल ये कि अगर पप्पू यादव पूर्णिया सीट छोड़ते भी हैं तो उन्हें कांग्रेस कहां से टिकट देगा। वहीं बेगूसराय सीट में कन्हैया कुमार के साथ खेला हो गया जहां लेफ्ट ने अपना उम्मीदवार उतार दिया जबकि पिछली बार लेफ्ट के टिकट से ही इसी सीट से कन्हैया चुनाव लड़े थे। सियासी खिलाड़ियों ने मौसम का मिजाज देखकर टीम तो बदल ली लेकिन वो नई टीम में बेंच पर बैठने को मजबूर है। वहीं ओवैसी की एंट्री ने बिहार की सियासी सीरीज को द्विपक्षीय से त्रिकोणीय बना दिया है। बिहार में ओवैसी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है जिसमें ज्यादातर सीटें सीमांचल की हैं जहां मुस्लिम आबादी अच्छी तादाद में है। ओवैसी को इसलिए भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 5 सीट जीतने में कामयाब रही थी, हालांकि बाद में ये विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। अखिलेश यादव प्रेशर पॉलिटिक्स का सफल प्रयोग यूपी में कर चुके थे जहां सीट शेयरिंग से पहले ही प्रत्याशियों के ऐलान के बाद कांग्रेस दबाव में दिख रही थी। कुछ उसी रणनीति के साथ लालू प्रसाद यादव भी बिहार के सियासी पिच में उतरे जहां सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले प्रत्याशियों को सिंबल बांटने शुरू कर दिए। ऐसे में करीब 15 सीटों की मांग कर रही कांग्रेस को 9 सीटों से संतोष करना पड़ा तो वहीं कई पसंदीदा सीटें आरजेडी के खाते में चली गई। पटना से शशि भूषण और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चित्रा देखिए क्रिकेट में भी घरेलू मैदान में खिलाड़ियों को कई फायदे मिलते हैं, कहते हैं होम एडवांटेज, उन्हें कंडीशंस पता होती हैं, दर्शकों का सपोर्ट भी मिल जाता है। लेकिन सिलेक्टर सिर्फ घरेलू मैदान के आधार पर खिलाड़ियों को मौका नहीं देता, उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि मैच में वो खिलाड़ी कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, उस लिहाज से उसे चुना जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही है। वैसे विक्रांत, क्रिकेट हो या फिर सियासत, स्टार खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें नजर टिकी रहती है। प्रदर्शन अच्छा या खराब मुकाबले का हिस्सा हो सकता है लेकिन उसके लिए मैदान पर उतरना बहुत जरूरी है। लेकिन यूपी की सियासत में कई धुरंधर सियासी खिलाड़ियों के मैदान पर उतरने पर भी अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। अटकलों का बाजार गर्म है लेकिन ये बड़े बड़े दिग्गज अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं दिखते। मुकाबला होम ग्राउंड पर हो तो उम्मीद भी ज्यादा होती है और दबाव। कुछ ऐसा ही हाल रायबरेली अमेठी को लेकर कांग्रेस में नजर आ रहा है। 8 लिस्ट के बाद भी इन 2 सीटों पर प्रत्याशियों का फैसला नहीं हो पा रहा है। तो क्या अमेठी के पिछले चुनाव में हार की गुगली ने कांग्रेस को ऐसा चौंका दिया है कि इन 2 सीटों पर चेहरे की गुत्थी सुलझी नहीं पा रही। एक दिन पहले कांग्रेस ने गाजियाबाद, सीतापुर, बुलंदशहर और महाराजगंज के प्रत्याशियों का ऐलान किया लेकिन अब भी अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज और मथुरा सीट पर फैसला नहीं हो सका है। क्या इन सीटों पर कांग्रेस किसी नए प्लेयर को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है या किसी बड़े प्लेयर की रजामंदी का इंतजार है? सस्पेंस बना है और ऐसा ही हाल अखिलेश यादव को लेकर भी दिख रहा है। समाजवादी पार्टी अब तक 45 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है जबकि 15 सीटों पर प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है। इनमें कन्नौज सीट को अखिलेश के लिए सियासी तौर पर मुफीद माना जा रहा है। हालांकि कन्नौज सीट के लिए भी मुलायम के भाई के पोते तेज प्रताप यादव का नाम चर्चा में चल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर तेज प्रताप यादव कन्नौज से प्रत्याशी बनते हैं तो क्या अखिलेश लोकसभा की जंग में सियासी पिच पर ही नहीं उतरेंगे? लोकसभा की चुनावी लीग से बीएसपी अध्यक्ष मायावती बहुत ही पहले दूरी बना चुकी हैं। नगीना सीट पर विपक्ष की गेंद उड़ाने का प्लान बनाने वाले चंद्रशेखर अखिलेश की फिरकी में भी फंस गए हैं। तो क्या यूपी में ऐसे हालात बन रहे हैं कि विपक्ष का कोई भी बड़ा चेहरा बीजेपी के खिलाफ मैदान में नहीं होगा? क्या कई सीटों पर यह खेल बीजेपी के लिए वॉकओवर होगा? आज तक ब्यूरो।
चित्रा देखिए, आप नेट पर कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, अगर मैच में जाकर आप परफॉर्म नहीं करेंगे ना तो उसका कोई काम नहीं है। बिल्कुल, बिना मुकाबला खेले आप खुद को साबित भी नहीं कर सकते। और जहां तक हार जीत की बात है, वो तो सियासत हो या खेल हो उसका हिस्सा रहता ही। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा, सियासत या खेल उसका हिस्सा तो रहता ही है। वैसे विक्रांत, आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, सियासत में एक हार या जीत से आपके मौके खत्म नहीं हो जाते। अमेठी रायबरेली में भी कई दिग्गज नेताओं ने हार के बाद फिर से वापसी की है। और अब जरा कुछ आंकड़े दिखा देती हूं मैं, और मैदान पर वो आंकड़े आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संजय गांधी को अमेठी में पहली बार 1977 में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भी संजय गांधी ने हार नहीं मानी और अमेठी में लगातार वो सक्रिय रहे। चार साल के बाद हुए आम चुनाव में यानी कि 1980 में अमेठी ने संजय गांधी को भारी अंतर से जिताकर दिल्ली भेजा था। संजय गांधी की यह बात हो गई। अब बात कर लेते हैं स्मृति ईरानी की। 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से चुनाव हार गई थी। 2014 में मोदी सरकार केंद्र में बनी थी लेकिन स्मृति ईरानी हार गई थी। लेकिन 2019 में उनको बीजेपी ने फिर से मौका दिया और इस बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को उनकी पारंपरिक सीट अमेठी में शिकस्त दे दी थी, जो अपने आप में सबसे बड़ी खबर 2019 की राजनीति के बनकर आई थी। वहीं रायबरेली लेकर चलें तो रायबरेली की बात करें, अगर 1977 में रायबरेली से इंदिरा गांधी को समाजवादी नेता राज नारायण ने हरा दिया था, लेकिन अगले चुनाव में एक बार फिर से इंदिरा गांधी उसी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ी, जीत कर फिर से संसद पहुंची और प्रधानमंत्री बनी। बात तो सही है, खराब प्रदर्शन से अगर आप देखें उसे उभरने के लिए आपको मैच तो खेलने ही पड़ेंगे, फिर चाहे सियासत हो या फिर क्रिकेट हो। आपने यूपी के धुरंधरों और सस्पेंस की बात की चित्रा, एक सस्पेंस आज और है, क्योंकि आप आज के आईपीएल के मुकाबले की बात करें तो वो है ब्रांड विराट वाली बेंगलुरु, जिन्होंने अभी अभी अपना नाम बदला, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से बन गए हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और ब्रांड गौतम गंभीर वाली कोलकाता नाइट राइडर्स। अब गंभीर 2 साल मेंटोर थे लखनऊ के साथ, अब वो मेंटोर बन गए हैं कोलकाता के। अब सस्पेंस ये है कि क्या बेंगलुरु की टीम कोलकाता से जीत पाएगी, क्योंकि अपने ही मैदान पर यानी कि बैंगलोर में, बैंगलोर पिछले 9 साल से कोलकाता के हाथों हारता आया है। 2015 के बाद से बैंगलोर अपने घर में कोलकाता को कभी हरा ही नहीं पाया, तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पहली बार कहीं ऐसा ना हो कि होम टीम इस आईपीएल में अपने घर पर मैच हार जाए। वैसे जैसे मैंने बताया, 2015 के बाद से चिन्नास्वामी स्टेडियम में बैंगलोर ने कोलकाता को हराया नहीं। इधर गंभीर की कोलकाता के थिंक टैंक में वापसी हुई है एज मेंटोर। चित्रा, ये भी देखने में फैंस को मजा आएगा कि तेवर बदलेंगे, आंकड़े बदलेंगे, या फिर इन दोनों की आक्रामकता ही नई परिभाषा इस मैच में लिखी जाएगी, क्योंकि पिछले साल भी गौतम गंभीर वर्सेस विराट कोहली, वो आपको सारी की सारी लड़ाई और वो कहानी याद हो। और यहाँ पर ये बताइए, आज नरेन बजाएंगे बेंगलुरु का बैंड, ये क्यों लिखा है आपने? नहीं, क्योंकि सुनील नरेन स्पिनर है जी, और भले आप मैक्सवेल की बात करें, भले वो फैफ की बात करें, भले वो विराट कोहली की बात करें, इन तीनों पर उनका वर्चस्व है। सुनील नारायण इनको परेशान करते हैं, इनकी विकेटें लेते हैं, तो बैंगलोर को अगर डरना है तो सुनील नारायण से बहुत डर के रहना होगा। बिल्कुल, और देखना यह होगा कि कितना डर पाती है और उसका मुकाबला कितना कर पाती है ये टीम। वैसे विक्रांत, पुराने खिलाड़ी जहां टीम को नई ताकत देते हैं, तो वहीं डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों को भी खुद को साबित करना होता है, ये एक बड़ी चुनौती होती है। और अगर खिलाड़ी ने धमाकेदार एंट्री की हो तो चुनौती और बड़ी हो जाती है। सियासी पुच में इसी तरह से एंट्री हुई है कंगना रनौत की, उनकी तस्वीरें दिखाएंगे, जो कि मंडी से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। कंगना ने फाइनल मुकाबले की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। कंगना रनौत अपने चुनावी क्षेत्र में प्रचार करने उतरी। मंडी में कंगना ने रोड शो किया, जहां अच्छी खासी भीड़ नजर आई। कंगना ने खुद को मंडी की जनता से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मंडी के लोग उन्हें स्टार या हीरोइन ना समझें, बल्कि वो उनकी बेटी हैं और उनके लिए कुछ बड़ा करना चाहती हैं। इतना ही नहीं, कंगना ने विरोधियों पर भी हमले की किश्त जारी कर दी। विक्रांत, आप देख सकते हैं कि क्या, आप देख सकते हैं कि क्या भीड़ उमड़ी है, कितने लोग आए हैं और कितने लोग जो हैं वो गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और मंडी की जो राष्ट्रवादी आवाज है वो अब इस इलेक्शन में जो है वो मंडी को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख सकते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट जो है वो हमारा मेन जो मुद्दा है बीजेपी का, और बाकी जो हमारी बीजेपी की जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे जो लीडर हैं, वो हमें जिस तरह से गाइड करेंगे उस डायरेक्शन में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।
मंडी को वैसे छोटी काशी कहते हैं और ये लड़ाई इस बार काफी दिलचस्प रहेगी। यहाँ के पड्डल मैदान पर कई क्रिकेट के मुकाबले, करीब मुकाबले हमने देखे हैं, लेकिन अब पता नहीं कि मंडी की सियासी पिच पर इस बार का मुकाबला करीबी होगा या फिर एक तरफा। वैसे पावर प्ले में हर कोई मंडी में धुआंधार बल्लेबाजी करना चाहता है। बिल्कुल, धुआंधार बल्लेबाजी करने की कोशिश है। वैसे विक्रांत, आईपीएल के खुमार के बीच कुछ सियासी चेहरे भी बल्ला लेकर मैदान पर उतर गए हैं। चुनावी माहौल के बीच मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया क्रिकेट के पिच पर नजर आई। पोरबंदर में मनसुख मंडाविया ने स्थानीय लोगों के साथ क्रिकेट खेला। पहले स्वास्थ्य मंत्री ने गेंदबाजी की और फिर बल्लेबाजी में भी उन्होंने अपने हाथ आजमाए। तस्वीरें आपके सामने हैं। वैसे अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेफ्ट हैंडर, लेकिन आज जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोलकाता बनाम बैंगलोर ये आईपीएल का मुकाबला है। मिड इनिंग शो और क्लोज ऑफ प्ले आप आ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।